तो यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ट, और साथ में मैंने चार्ट को अपलोड किया है। इसने हमें आंसर कर दिया और बहुत ही एक्यूरेट आंसर किया है। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको सिखाया था कि चैट जीपीटी का यूज ट्रेडिंग में कैसे करना है। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आई, लेकिन चैट जीपीटी के साथ ना एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि चैट जीपीटी के पास रियल टाइम डेटा नहीं होता था, जिसकी वजह से चैट जीपीटी का यूज ट्रेडिंग में काफी लिमिटेड हो जाता था। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा एआई टूल है जिसको आप ट्रेडिंग का भगवान भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास पूरे इंटरनेट का रियल टाइम एक्सेस है। तो सोचो इससे हम ट्रेडिंग में क्या क्या कर सकते हैं, और सोचना क्या है मैं आपको दिखाता हूं ना। तो जिस एआई टूल की हम बात कर रहे हैं ये है गूगल का जेमिनी, जिसको एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा gemini.google.com पर। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाते हैं तो साइनअप करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब अगर इससे भी मैं डायरेक्टली किसी स्टॉक के बारे में पूछूंगा तो फिर ये भी मुझे भाषण देना शुरू कर देगा, इसलिए हम थोड़ी सी ट्रिक का यूज करेंगे जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। ट्रेडिंग व्यू को सर्च करने के लिए आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू लिखना है, और ऐसे आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आ जाएगी, और उसके बाद जिस भी स्टॉक को आप एनालाइज करना चाहते हैं आपने उसका नाम लिखना है। तो किसी स्टॉक को लिखने से बेटर मैं यहां पर निफ्टी लिख के सर्च करता हूं, और जैसे मैं लॉन्च चार्ट पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट खुलकर आ गया है। ये चार्ट हमें 15 मिनट में दिखाई दे रहा है। अगर आप 15 मिनट पे एनालाइज करना चाहते हैं तो आपने इसे 15 मिनट ही रखना है। अगर आप 5 मिनट पे एनालाइज करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट रख सकते हैं, और अगर आप इसका डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप यहां से 1 डे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि मुझे आपको सिर्फ एग्जांपल ही दिखाना है तो मैं 15 मिनट का ही चार्ट यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब चार्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ इसका स्नैपशॉट लेना है। तो इस तरीके से हम यहां पर इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो चार्ट है ये हमारे लिए डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद वापस आ जाना है हमें जेमिनी में, और यहां पर आने के बाद आपको एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर वो चार्ट हमारे सामने आ गया है। मैंने इस चार्ट को यहां से सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आप इस चार्ट के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं आपको वो यहां पे सर्च करना है। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि इस चार्ट का ट्रेंड क्या है तो यहां पे सर्च कीजिए व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट। तो जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर रहा है, और प्रोसेसिंग करने के बाद इसने हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो चार्ट है ये पिछले कुछ दिन से फ्लैट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट को देखें तो आज तो ये ट्रेंडिंग था लेकिन उससे पहले ये फ्लैट था। तो यहाँ पर मैं इससे पूछता हूँ कि निफ्टी 50 का आज का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इसके लिए मुझे सर्च करना है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट फॉर टुडे, और यहां पर इसने हमें डिटेल दे दी है कि आज जो निफ्टी 50 है वो ट्रेंडिंग है, जिसमें इसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, क्लोजिंग प्राइस ये थी, और ये इसका चेंज आया था। अब नाउ इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं और इससे पूछते हैं कि हमें इस चार्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ। तो इसने ट्रेंड तो बता दिया है कि अपवर्ड ट्रेंड है, तो अब हम यहां से पूछते हैं कि व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस चार्ट। अब यहां पर इसने इसका आंसर नहीं दिया, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इस चार्ट को दोबारा से अपलोड करता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ट, और साथ में मैंने चार्ट को अपलोड किया है, और इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया है तो अब देखते हैं कि ये क्या आंसर करता है। तो अब देखिए यहां पर इसने आंसर दिया है कि बेस्ड ऑन द चार्ट यू सेंट, जो चार्ट आपने मुझे भेजा था उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस है वो 22,400 पे नजर आ रहा है, और इसका जो सपोर्ट है वो 22,200 पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस चार्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मिल गया है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी ये डेटा हमें दे रहा है वो 15 मिनट के हिसाब से दे रहा है, क्योंकि वो 15 मिनट का ही चार्ट मैंने यहां पे अपलोड किया है। अगर आपको 5 मिनट के हिसाब से डेटा चाहिए तो फिर आपको 5 मिनट का चार्ट यहां पे अपलोड करना होगा। अब इससे फिर से थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, और इससे पूछते हैं कि इस चार्ट में आपको कौन सा चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए फिर से हम चार्ट को यहां पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पूछेंगे तो वहां पर हो सकता है कि वो आंसर ना करे, तो इसलिए मैंने चार्ट को यहां पे अपलोड कर दिया है। तो यहां पर मैं इससे पूछ रहा हूं व्हाट चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न यू कैन सी इन दिस चार्ट एंड वेयर इज इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें आंसर कर दिया और बहुत ही एक्यूरेट आंसर किया है। द चार्ट यू सेंड मी अपीयर्स टू शो अ पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट इज लोकेटेड इन द राइट साइड ऑफ द चार्ट, जिसमें उसने डेट भी बता दिया है। आप सोचो इतना छोटा चार्ट मैंने उसको दिया है लेकिन उसमें से वो डेट बता रहा है कि 27 और 28 फरवरी को यहां पर पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक चार्ट को अपलोड करके इसने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दी है, और
यहां पर तो हमने निफ्टी का चार्ट अपलोड किया था, अब किसी पर्टिकुलर स्टॉक का एक बार चार्ट अपलोड करके देखते हैं। बट कौन से स्टॉक का चार्ट देखना है ये भी मैं जेमिनी से ही पूछ लेता हूं। तो मैं उससे पूछ रहा हूं, गिव मी अ रैंडम स्टॉक फ्रॉम निफ्टी 50। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो इसने सेलेक्ट किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो चलिए अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही चार्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे और यहाँ पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब निफ्टी 50 में हमने 15 मिनट का चार्ट तो देख ही लिया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो रिलायंस का चार्ट है इसको वन डे का चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। तो हमारे सामने रिलायंस का वन डे का चार्ट है। अब इस चार्ट की भी हमें इमेज डाउनलोड करनी है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ गया है। तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। तो वापस आ जाते हैं जेमिनी पर और यहाँ पर इस इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिलायंस का चार्ट अपलोड कर दिया है। अब इससे मैं बोलता हूँ कि इस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करके हमें बताओ। तो हमने सर्च किया है डू टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस चार्ट एंड सजेस्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, देखते हैं कि ये आंसर कर पाता है या फिर नहीं। तो हमने सर्च पे क्लिक कर दिया है। जब तक ये सर्च कर रहा है तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं ये लोग पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तो ये आंसर नहीं कर रहा है, तो मैं एक नई चैट ओपन करता हूं और वहां पर मैं दोबारा से इस स्टॉक की जो इमेज है उसको अपलोड करता हूं। तो यहां पर हमने इमेज को अपलोड कर दिया है और इसके बाद मैं इससे बोलता हूं, एक्सप्लेन दिस चार्ट एंड गिव इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए यहां पर इसने हमें जवाब दिया है, जिसमें इसने बताया है कि ये कैंडलस्टिक चार्ट है जो कि स्टॉक एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कंपनी रिलायंस है, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, एक दिन के टाइम फ्रेम का हम यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस ये है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है, उसके बाद कैंडलस्टिक इंटरप्रिटेशन कर रहा है, चार्ट ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक बनाते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चार्ट लाइक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड एक्सेट्रा, और ये लिखकर मैं सर्च करता हूं। साथ में आपको बार बार इस चार्ट को अपलोड करना ही होगा, अदरवाइज मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो हमने चार्ट को अपलोड कर दिया है, अब देखते हैं कि क्या यह आंसर कर पाता है। तो अब देखिए यहां पर इसने हमें अच्छे से आंसर किया है और सभी चीजों को डिटेल में बताया है, जैसे बता रहा है कि चार्ट पैटर्न को सिर्फ इस चार्ट को देखकर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा हो या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा हो। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हमने बात की, तो इसने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब इतना स्पेसिफिक बता दिया, 3000 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कोई भी क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद ट्रेंड की बात करें तो इसने कहा है कि इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपवर्ड है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अपवर्ड है। इसके अलावा एडिशनल भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें इसने बताया है कि क्योंकि आप एक दिन के चार्ट को यूज कर रहे हो तो इसलिए इसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत बनाओ, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो वहां पर लॉन्ग टाइम फ्रेम देखना चाहिए। और उसके साथ ही इसने ये भी बताया कि भाई पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो जेमिनी का यूज करके चार्ट को कैसे एनालाइज करना है ये तो आपने सीख लिया है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं, चलिए वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट हेल्प जेमिनी हमारी कर सकता है वो है किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करने में, लेकिन उसके लिए भी ये डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूं, गिव मी द रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग बैंकिंग स्टॉक्स विद आइडियल वैल्यूज इन लिस्ट फॉर्म। अब ये लिखकर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं ये क्या आंसर करता है। तो इसने हमें यहाँ पर काफी सारे रेशियो समझा दिए हैं, जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स इसने कहा है आइडियली 1% से ज्यादा होना चाहिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2-4% के बीच में होना चाहिए, एफिशिएंसी 60% होनी चाहिए, और बहुत सारी डिटेल्स दी है इसने यहाँ पर हमें। तो यहाँ पर आपको एक स्टॉक की जो आइडियल वैल्यूज हैं वो मिल चुकी हैं। अब इन वैल्यूज को आप किसी भी स्क्रीनर में अप्लाई करके स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, और इन सभी क्वेरीज को स्क्रीनर में कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेल्प आप जेमिनी की ले सकते हैं वो ये है कि आपको पता है कि हर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है, तो अगर आपको उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जानना है और बिल्कुल शॉर्ट में जानना है तो आप उस स्टॉक का नाम लिखो और साथ में क्वार्टरली रिजल्ट्स डालो, और क्योंकि इसके पास बिल्कुल रीसेंट डेटा रहता है रियल टाइम में तो ये आपको एक्यूरेट जवाब दे देगा, जबकि चैट जीपीटी के पास रीसेंट डेटा नहीं है तो वो ये जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पॉलीकैब का क्वार्टरली रिजल्ट जानना चाहते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तो
इसे एग्जाम्पल की ही तरह लीजिएगा। तो इसके लिए आपको जेमिनी में सर्च करना है एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ पॉलीकैब और इसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब देखते हैं कि क्या ये हमें आंसर कर पाता है या फिर नहीं। तो इसने कहा है कि अभी पॉलीकैब ने अपने रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए हैं, तो मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि लास्ट जो भी रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बता दो। तो इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ एनालाइज रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ पॉलीकैब। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें आंसर कर दिया है कि इसके जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 31 दिसंबर 2023 के हैं, यानी क्वार्टर 3 के, और उसमें इसने रेवेन्यू में क्या ग्रोथ की है, प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ की है, इसकी नेट कैश पोजिशन किया है, और उसके बाद और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने हमें शॉर्ट में दे दी है। तो देखिए कितना आसान हो गया है हमारे लिए जेमिनी का यूज करके किसी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करना। अब इसके बाद नेक्स्ट, मान लीजिए आप किसी स्टॉक के टारगेट्स जानना चाहते हैं जो कि डिफरेंट ब्रोकरेजेस ने दिए हैं, तो उनके क्या टारगेट्स हैं, इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स खोलनी पड़ती, बहुत झंझट होता, लेकिन यहां पर आप रियल टाइम में सारे टारगेट्स जान सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं विप्रो के टारगेट्स देखता हूं। तो इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूं गिव मी ऑल द टारगेट्स ऑफ स्टॉक विप्रो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउसेस। तो ये लिख के मैं जैसे ही सर्च करता हूं तो अब देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है। तो देखिए यहां पर इसने हमें बताया है कि एवरेज टारगेट लगभग 450 का दिया गया है, हाई जो टारगेट है वो 570 का दिया गया है, और जो लो टारगेट दिया है वो 270 का है। तो देखिए कितना आसान हो रहा है इससे एनालाइज करना। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा स्टॉक आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मुझे पता कैसे चलेगा। अब इसके लिए डायरेक्टली पूछूंगा तो ये मना कर देगा कि मैं आपको डायरेक्टली स्टॉक नहीं बता सकता। तो इसके लिए मैंने सर्च किया है विच स्टॉक इज ट्रेंडिंग इन द न्यूज इन लास्ट 7 days। तो देखिए इसने आंसर किया है एक स्टॉक बायोकॉन इसने बताया है, सुविन फार्मास्यूटिकल्स और कोहेंस के बीच में एक मर्जर प्रपोज किया गया है, और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने नए MD को अपॉइंट किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें ज्यादा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है उसकी डिटेल भी हमें इसने यहाँ पर दे दी है। अब देखिए यहाँ पर इसने हमें जो सुविन फार्मास्यूटिकल नाम का स्टॉक बताया है इसको जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये स्टॉक आज में 12% बढ़ा है, और आप देख सकते हैं कि इस न्यूज की वजह से इसकी प्राइस में इतना बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इससे पूछने वाला हूं वो ये है कि अगले 10 साल में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके लिए मैंने कमांड लिख दी है और उसको सर्च कर दिया है। वैसे जब तक ये सर्च कर रहा है तब तक अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले इसने बताया है कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो 16 से 17% के CAGR से बढ़ सकता है 2024 तक। इसके बाद जो सेकंड सेक्टर इसने बताया है वो है AI सेक्टर, जो कि 2030 तक 28% के CAGR से ग्रो कर सकता है। तो यहां से हमें पता चल गया है कि अगले 10 साल में जो AI सेक्टर है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपको AI सेक्टर पे भी अपना ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेमिनी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और सबसे बेटर यूज आप एक AI का ले सकते हैं वो है अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाने में, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी होती है। लेकिन उसके लिए हमने जब जेमिनी को यूज किया तो उसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और यहां पर हमें रीसेंट डेटा की भी जरूरत नहीं है, तो आप इसके लिए ChatGPT का यूज कर सकते हैं। और ChatGPT का यूज करके बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, अपनी स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में भी आपको वो लिंक यहां पर दिखाई देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको हमारी वीडियो दोबारा रिकमेंड हो पाए। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो पार्ट 2 लिखकर कमेंट जरूर करना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और ChatGPT वाली वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद।